तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा ट्रेड ब्रेकडाउन। तो रिसेंटली गोल्ड चालू है अभी 2364 पे। अभी रिसेंटली एक सेटअप आया था, पता नहीं आपने ट्रेड किया है कि नहीं, लेकिन एक काफी अच्छा सेटअप आया था 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 4 आवर पे गोल्ड का चार्ट है forex.com का, वरना का तो मैं नहीं यूज कर रहा हूँ अभी। forex.com का चार्ट है ये 4 आवर का। तो ठीक है, सिंपल से आपको अगर ट्राइंगल चार्ट पैटर्न कैसे ट्रेड करते हैं आपको नहीं पता है, तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ। पहले एक ट्राइंगल ऐसे दिखता है, एक मिनट में इसका जो एंगल का वो है वो बंद कर देता हूँ, कर दिया मैंने। तो देखिए, एक ट्राइंगल ऐसे दिख सकता है, इसके अंदर प्राइस ऐसे रहेगी। अगर आप दो ट्रेंड लाइन बनाओगे तो आपको एक ट्राइंगल दिख जाएगा, और जैसे ही ये ट्राइंगल के बाहर प्राइस निकलेगी, इसकी रीटेस्ट पे हम ट्रेड करते हैं, या फिर हम कभी कभी डायरेक्ट भी ट्रेड करते हैं। तो दोनों सेटअप आते हैं, डायरेक्ट अगर ज्यादा बड़ी कैंडल है तो रीटेस्ट नहीं मिलता है, तो फिर हमें डायरेक्ट उतरना पड़ता है। तो ये एक सेटअप, ये एक ट्राइंगल चार्ट पैटर्न है, इसको सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न बोलते हैं। अगर ये ब्रेक हुआ तो हम ट्रेड करते हैं इसको, ये नीचे की साइड भी ब्रेक हो सकता है और फिर ये रिटेस्ट दे के ऐसे भी जा सकते हैं। तो ये दोनों साइड, या ऊपर ब्रेक हुआ तो हमें बाई की ट्रेड लेनी है, नीचे ब्रेक हुआ तो हमें सेल की ट्रेड लेनी है। ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न है, तो यही बताऊंगा। और दो तीन ट्राइंगल पैटर्न रहते हैं, लेकिन ये ट्रेड में सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न ही फॉर्म हुआ था, तो हम सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न क्या होता है वो हमने जान लिया है। अब मैं आपको लाइव बताता हूँ। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे गोल्ड का चार्ट है, आप देखिए यहाँ पे कि आपको यहाँ ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं, आप एक बार ट्राई करिए। तो जिसको नहीं दिख रहा है मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ, मैं एक्सटेंडेड लाइन से बनाता हूँ ताकि डायरेक्ट ही प्राइस पकड़ ले ट्राइंगल। ये देखिए किस किस को दिखती है ये ट्राइंगल, जैसे मैंने प्राइस आपको वहां ड्रॉ करके बताई थी वही सेम प्राइस है। देखिए ये यहाँ, या इसने ब्रेक दिया, रिटेस्ट के लिए पूरा नहीं आया, देन इसने मोड़ दिया अपना। तो मैं आपको बताता हूँ इसको हम ट्रेड कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो दोनों जो आपके ट्रेंड लाइन ड्रॉ एकदम परफेक्ट ड्रॉ होनी चाहिए, डॉट टू डॉट। और अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि गलत ड्रॉ हुए है तो आप रीड्रॉ करिए, जब तक आप श्योर नहीं हो कि सही ड्रॉ हुए या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एकदम डॉट ट्रेंड लाइन है, एकदम रिस्पेक्ट किया था जीते से भी मैंने ड्रॉ किया है उसको। तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, और कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर आप ट्राइंगल पैटर्न ले रहे हो तो 4 आवर की आपको एक कैंडल क्लोज चाहिए, तभी आप ब्रेक मानोगे, नहीं तो नहीं मानोगे। तो देखिए ये 4 आवर की ट्रेंड लाइन थी, अब मैं बताता हूँ कैंडल क्लोजिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये जो कैंडल है, देखिए इसकी विक कहाँ तक थी, मतलब प्राइस एक टाइम तक यहाँ पे ब्लू कैंडल दिखा रहा था। तो यहाँ पे जो लोग उतर गए बिना 4 आवर के क्लोजिंग के लिए, तो उन लोगों का एसएल यही कैंडल का लो होगा कहीं ना कहीं, तो उनका एसएल हिट हो गया, क्योंकि उन्होंने कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं किया था। उन्होंने बस जैसी कैंडल बन रही थी वैसे ही वो उतर गए थे, और पिछला एसएल ये लिया होगा उन्होंने, टारगेट कितना भी लिया उससे मैटर नहीं करता, लेकिन उनका देखिए आप एसएल हिट हो गया था क्योंकि उन्होंने कैंडल क्लोज का वेट नहीं किया। और दूसरे हाथ पे अपन जो है जो कैंडल क्लोज का वेट करते हैं, तो देखिए जो पहली कैंडल क्लोज हुई थी वो ये थी, हमारी एंट्री यहाँ होती थी, यह होती थी हमारी एंट्री एक सेटअप में। और इसका जो ये कैंडल का लो, विक का लो है वो ऐसा रहता था, हमारा जो टीपी रहता था वो प्रीवियस हाई रहता था। तो ये ट्रेड रनिंग पे है और काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। देखिए आप 1:6.35 की ट्रेड है, तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है ये। अगर आप आइडेंटिफाई करके ट्रेड करते हो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। और एक और बात मैं बताता हूँ कि ये हो गया एक सेटअप जो कि था कैंडल ब्रेक का। आप छोटी कैंडल ब्रेक होती है तो हम डायरेक्ट भी उतर सकते हैं क्योंकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। यही कैंडल इतनी बड़ी होती तो यही 1:6 का 1:2.5 1:3 हो जाता था। तो अब मैं आपको जो हम रीटेस्ट की एंट्री करते हैं वो भी दिखा देता हूँ। तो आप जूम करिए इसको, देखिए डॉट रीटेस्ट आया है ट्रेंड लाइन पे ही। तो अगर रीटेस्ट एंट्री होती तो इसका रिस्क रिवॉर्ड और बढ़ जाता, क्योंकि और हमने शॉर्ट एंट्री ली है, एसएल हमारा वही होता, टारगेट भी वही होते। तो आप देखिए ये जो ट्रेड है हमारी 1:9.5 की, ये फर्क है। रीटेस्ट अगर आप ट्रेड करते हो तो मिस होने के चांसेस बहुत सारे हैं ट्रेड के, लेकिन अगर ट्रिगर होती है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा होता है। तो 1:9 की ट्रेड है, अभी रनिंग पे है, इसका टीपी हिट हो जाएगा जल्दी, इसका टीपी हिट हो जाएगा 1:9। ऑलरेडी ऑलरेडी इसने जितना अचीव किया है वो है, दिखाता हूँ, 1:7.6 तो अचीव कर चुकी है।
1:9.5 का टीपी है, ये टीपी हिट होगा, आप इसको ड्रॉ करके रख लीजिए, आप बना लेना। तो ये ट्रेड का अगर आपको मैं बताऊं तो 25 पिप का एसएल है यहाँ पे, और 250 पिप्स का टारगेट है हमारा। 25 पिप का एसएल है, 250, वही 1:10 का हिसाब यही होता है 25 पिप का एसएल। तो अब आपको अगर 0.01 लॉट लेना था तो आपको बस $2.50 रिस्क करने थे $25 कमाने के लिए। और अगर आप रिस्क ज्यादा कर सकते हो, अगर आप $10 इस पे रिस्क करते तो आप $10 अगर आप रिस्क करते ये ट्रेड पे पर्टिकुलर, तो आपको 0.04 खरीदना पड़ता। इसका मतलब होता है कि 40 सेंट इंटू $100 आप कमा सकते थे। तो काफी अच्छी ट्रेड थी मेरे हिसाब से। तो सॉरी, $25 रिस्क करके आप $200 कमा सकते थे इससे, क्योंकि 1:10 की ट्रेड है। सॉरी, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक।